हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ डॉक्टर परमजीत। बहुत दिन हो गए यार, मिले नहीं, कैसे हो? सो हाउ इज एवरीवन? सो पता नहीं, बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा था तो कुछ नए नए फीचर देखने को मिले। 25 तो सवाल पूछ लिए इन्होंने, पोर्ट्रेट में जाना है, लैंडस्केप में जाना है, क्या है क्या नहीं है। सो एनीवेज, आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माइंड, कुछ चीज़ें दिमाग में हैं, आप लोगों से बातचीत करनी है। हेलो हेलो मिस्टर प्रदीप। ऑल राइट, सो बिफोर यू स्टार्ट, सवाल अपने, राइट, हाउ टू स्पीक क्लियरली। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब दोस्तों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना भरपूर सपोर्ट आप लोग दे जा रहे हैं यूट्यूब चैनल को हमारे। जितना सपोर्ट दे रहे हो उतने लाइक भी दबाया करो, क्योंकि आपके लाइक के बाद ही यूट्यूब वाले उसको जो है प्रमोट करते हैं वीडियो को, और दूसरों को रेकमेंड करते हैं वीडियो को, और जब वो रेकमेंड होगा तभी फिर जाके दूसरे जो लोग हैं जो देखना चाहते हैं वीडियोस, जिनको देखना चाहिए वीडियोस, उनको देख वो देख पाएंगे, राइट? सो मेक श्योर टू लाइक एंड सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन। और बहुत दिन हो गए थे लाइव किए, तो मैं कहा चलो लाइव करते हैं और आप लोगों के साथ कुछ सिस्टम और बैठाते हैं। आई नो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लिटरली हर इंसान को कुछ ना कुछ सवाल है, मुझे पता है। सवालों के जवाब भी थोड़े देंगे, बिल्कुल देंगे, और मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझना होगा एक लिमिट होती है, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट? और जिनको कंसल्टेशन चाहिए वो कंसल्टेशंस कर रहे हैं, रोज़ के लिटरली 100,000 मैसेजेस आते हैं हमको वहाँ पर कंसल्टेशन पे, अनगिनत ये कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे। सो इट्स वेरी वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सबको आंसर करें, लेकिन हम संडे के संडे एक लाइव करेंगे इस चैनल पे, सवाल संडे। और साथ ही क्या करेंगे कि जो हम संडे को जो लाइव करेंगे ना, उसके अलावा जो हमारा एक दूसरा चैनल है, FAQ चैनल, हमारा जो FAQ फ्रीक्वेंटली आज चैनल था, इस पे हम रोज़ छोटा लाइव करने की कोशिश करेंगे। और रोज़ आप जानते हैं कि एक वीडियो आता है यूट्यूब पे, एक वीडियो तो आता ही है हमारा, राइट? सो हम उस वीडियो पे आए गए फर्स्ट 5 या 10 कमेंट क्वेश्चंस का आंसर FAQ चैनल पे दे दिया करेंगे, फटाफट करके ना। सो दैट इज़ द मोस्ट लॉजिकल थिंग जो मैं कर सकता हूँ, राइट? सो ये बहुत मुश्किल है करना कि सब लोगों के सवालों के जवाब दिए जाए, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। सो लेट मी जस्ट गो अप और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। सुमित पांडे जी ने पूछा है, हाउ टू स्पीक क्लियरली, स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है। वेल, वी मिस्ड यू, थैंक यू। वेल, बहुत लोगों का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उनको बोलने की आदत, एक यूट्यूब चैनल खोल लो, अपने आप आदत पड़ जाएगी। यू कैन, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है, इट्स नथिंग टू डू विद मेडिसिन। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को एज यूजुअल, भाई कल्पना जी, और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फास्ट रखिए, खुश रहिए। नवरात्रि के बारे में मेरा एक वीडियो भी था डाइट वाला, वो जाके देख लीजिएगा, नवरात्रि लास्ट ईयर बनाया था हमने। सो मेक श्योर टू बी कॉशियस अबाउट योर डाइट इन नवरात्रि, मोटे नहीं होना है, लड्डू ज़्यादा नहीं खाना है, राइट? अल्पराजोलम नींद की गोली है, ज़्यादा नहीं खाना है, याद रखिए। प्रवीण कुमार जी, आपको हेल्प चाहिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, नंबर 7827570775, ऑलरेडी गिवन ऑन एवरी वीडियो या डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मेडिकल वो चाहिए कोई कुछ ओवरऑल, तो अभी पूछ सकते हैं। माय ब्लड प्रेशर 90 सिस्टोलिक एंड 25, एज 35, चल जाएगा, फिर भी आप डैश डाइट फॉलो करिए, डैश डाइट वाला मेरा वीडियो आप भी लीजिए, और मनदीप मान जी फैटी लिवर के लिए भी डैश डाइट का वीडियो फॉलो करिए, हमारा वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, DASH. अभी का बुखार समझ में नहीं आ रहा, अभी का किसका बुखार? बुखार समझ नहीं, फीवर इज नॉट योर एनिमी, ऐसा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जाके देखिए, जस्ट मैनेज द फीवर, खुश रहो, बढ़िया अपना एंजॉय करो, राइट?
हेलो, हार्ट अटैक को अर्जुन की चाल से सही कर सकते हैं क्या? नहीं, हार्ट अटैक को नहीं सही कर सकते अर्जुन की चाल से। अर्जुन की चाल कुछ हद तक माइल्ड सा इफेक्ट देती है, वो ही इफेक्ट जो इकोस्प्रिन का थोड़ा बहुत रहता है, बट एंड दैट डज नॉट मीन कि वो ना तो इकोस्प्रिन हार्ट अटैक को ठीक कर सकती है ना अर्जुन की चाल। हार्ट अटैक को समझने के लिए हार्ट अटैक वाले हार्ट के हमारे वीडियो देखो, समझो उसको, राइट? बीमारी को ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता कि ये कर देगा क्या, वो कर देगा क्या, ठीक ऐसे। वो तो आपको बोलने बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं लोग, सो डोंट गो फॉर दैट, राइट? प्लीज बी डोंट बी अ फूल, गधे मत बनिए। पाइल्स को मेडिसिन से नहीं क्योर कर सकते आप, लाइफस्टाइल चेंजेस से और क्योर कर सकते हैं, उसको भी मैंने पूरे वीडियो में समझाया हुआ है। G6PD डेफिशिएंसी का वीडियो भी आई थिंक आ चुका है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल बस आपको ध्यान में रखना है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। लिम्फ नोड स्वेलिंग हरप्रीत कौर जी पूछ रहे हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग का ट्रीटमेंट बता दो, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। डॉक्टर सेड कोई टेंशन मत लो, सब ठीक होए, आप ठीक अब अपने आप। देखो ऐसा है, किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन बॉडी में होता है, उसके आसपास का लिम्फ नोड फूल जाता है। ये बेसिकली आपके बॉडी के पुलिस चौकियां हैं, राइट? बड़ी बड़ी हो जाती हैं, पुलिस वाले बुला लिए जाते हैं, और काफी हद तक हमारा शरीर ऐसा है उसको काफी दिनों तक रख लेता है, बोलता है कि भाई पता नहीं कब फिर हमला हो जाए। सो इन्फेक्शन खत्म हो जाने के बाद भी कुछ महीनों तक हो सकता है लिम्फ नोड बड़े हुए रहें, तो डोंट वरी अबाउट इट, सीरियसली वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल वो बड़े हो रहे हैं खुद ही खुद ही, तो हो सकता है लिम्फ नोड के अंदर ही इन्फेक्शन हो। ऐसे केस में एक बड़ा इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन को रूल आउट कर लेना चाहिए, बस मेन वो चीज है, राइट? हाउ टू फिक्स वॉइस लो क्वालिटी बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टिरोन, इंक्रीज योर टेस्टोस्टिरोन। और क्या करना है बताओ? एब्डोमिनल मसल डैमेज क्या हो गया? एब्डोमिनल मसल डैमेज, पेट में क्या मुक्के मार लिए? एब्डोमिनल मसल डैमेज मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? एब्डोमिनल मसल डैमेज का मतलब क्या हुआ? एब्डोमिन में मसल है, डैमेज क्यों हो गई? थैंक यू सैयद जी, थैंक यू। पाइल्स के बारे में पूरा मेरा अभी सर्जरी भी है, सर्जरी के वीडियोस भी आने वाले हैं, पाइल्स के वीडियो बहुत जल्दी, डोंट वरी, बने हुए हैं, मतलब एडिट करना है बस, एक एक करके डालने वाली बात है। एसिड रिफ्लक्स को बंद करने का जो प्रोसीजर है वो है, एक योगा बताता हूँ आपको, हमारे कई सारे डॉक्टर भी बताते हैं योगा, ऐसा उंगली रखने का ऐसा, और एक बार ऐसा देखना है, एक बार ऐसा देखना है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके बोलना नो। जब भी कोई खाने को चीज दे तो सीधा सीधा नो कर देना। जी हाँ, एसिड रिफ्लक्स का एक ही इलाज है, खाना कम खाओ। खाना जब एक बार में कम खाओगे ना, वो बोलेगा एक और रोटी, बोलना नो। वो बोलेगा एक और रोटी, बोलना नो। बोलेगा और ले लो, बोलना नो। जब भी कम खाओगे अपने आप एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट जितना ये फॉलो करोगे उतना ठीक हो जाएगा। बेली फैट, भाई बेली फैट कंट्रोल करने का आज ही एक वीडियो आया, 40 मिनट का लंबा पूरा कोर्स, मतलब फिटनेस वाला कोर्स करना है वो जाके वीडियो देख लो, आधा कोर्स आपका वैसे ही हो जाएगा। सो द वीडियो इज ऑन माई फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल, जिस जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लेना, बहुत जोरदार चैनल है, उस पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आने वाली है, अभी आ भी रही है, राइट? कोई डाइट प्लान दसो, वेट लॉस नाल डायबिटिक पेशेंट नाल पीसीओडी, और की बच गया, डायबिटीज भी है पीसीओडी। देखो बेसिकली दीज आर ऑल इक्विवेलेंट थिंग्स, राइट? वेट वेट ही कम करना है, वेट लॉस हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम सबका, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? पांच चीजें बंद करनी पैनिया ने, बेसिकली चीनी, गुड़, चीनी, शक्कर, रस, बिस्किट्स, कोई भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक, ऐसी प्रकार का सोडा, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड बंद करना पड़ेगा, और यू हैव टू ईट सम डैश डाइट खा लीजिए। डैश डाइट और वेट लॉस डाइट में मैंने प्रोफेशनल टिप्स वाले वेट वो दिए हुए हैं। अभी एक वॉल्यूमेट्रिक डाइट आई है जो दूसरा चैनल है उसमें, वो भी जाके देख सकते हो। इनमें से कोई ना कोई एक डाइट फॉलो करते जाओ, एक महीना ये, एक महीना ये, एक महीना है, यू विल सी ड्रास्टिक वेट लॉस, राइट? अपेंडिसाइटिस पे लेक्चर, वेल, अपेंडिसाइटिस का वीडियो आई थिंक होना होएगा, आएगा आएगा, बहुत कॉमन टॉपिक है। गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या नहीं खा सकते? गॉल ब्लैडर स्टोन में हवा नहीं खाना चाहिए, हवा मतलब भूखे नहीं रहना चाहिए, जो भूखे रहता है हवा खाता है तो गॉल ब्लैडर में बड़ी हो सकती है, यानी भूखे नहीं रहना चाहिए। डोंट स्किप योर मील्स।
सो हवा नहीं खाना चाहिए, हर बार खाना खाइए, कि गॉल ब्लैडर का काम है थोड़ा थोड़ा ऑयल पचाना। तो अगर आप या तो बिल्कुल ज़्यादा ऑयल ले लोगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दर्द होगा, कम ऑयल नहीं खाना खाओगे तो भी दिक्कत होगी। तो थोड़ा थोड़ा फैट शरीर में जाते रहना चाहिए, सबसे अच्छा वो है। और राइट, और सर क्या हम कार्ब्स अपनी डाइट से ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल ख़त्म करना, फिर आपकी बहुत ज़्यादा बोरिंग डाइट और बोरिंग लाइफ हो जाएगी। भी कीटो डाइट में भी लोग नहीं कर पाते ख़त्म, तो आप कहाँ से ख़त्म कर दोगे? तो कार्ब्स ख़त्म करना नामुमकिन के आसपास है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हो। राइट, हमारे मोल्स बहुत हो रहे हैं। मोल्स के लिए नॉट डोंट वरी, एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए। स्किन केयर रूटीन मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। अंजू अधिकारी से बहुत प्यार करता हूँ। अंजू अधिकारी जी से जाके प्यार से बताइए, अगर वो मना करती हैं तो चुपचाप अपना काम करिएगा, समझे? हाउ कैन आई टुक अपॉइंटमेंट, नीड वीडियो अपॉइंटमेंट। उसके लिए नंबर दिया हुआ है गुरप्रीत सिंह जी, 7827570775, जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। एसिड रिफ्लक्स ऑलरेडी आंसर्ड। सर फेस पे व्हाइट स्पॉट्स हैं, क्या करें? सी, व्हाइट स्पॉट्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीजेज, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस। सो थोड़ा रिलैक्स करो। राइट, एंटी इन्फ्लामेटरी अपने बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रेस जा रहा है ना, यू हैव टू एवेल्युएट योर लाइफस्टाइल, उसके बगैर ठीक नहीं होगा। राइट, जो होम्योपैथी की दवाई देते हैं, 6-6 महीने दवाई देते हैं, उसके साथ जो लाइफस्टाइल बताते हैं ना, ज़्यादातर उससे ठीक होता है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। उसी तरह मेरा विटिलिगो का वीडियो है, वो जाके देख लो, यू विल सी हाउ इट गोज। राइट, तो उसके जगह उसी की तरह से हो जाएगा। केंगेन वाटर क्या है? केंगेन वाटर या अल्कलाइन वाटर, ऐसे बहुत सारे वाटर नाम की चीज़ लोग उल्टा उल्लू बना बना के बेच रहे हैं आपको। दो दो तीन तीन लाख रुपए की मशीनें हैं मार्केट में, बिक रही हैं, और दुनिया भर की हजारों बीमारियों का कारण उसी पानी को बताया जाता है। और आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए 10 लोगों को और बातचीत करा दी जाती है। कृपया अपने पैसे बर्बाद करने से पहले अल्कलाइन बॉडी का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अल्कलाइन बॉडी या अल्कलाइन या एसिडिक बॉडी का वीडियो देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा होता क्या है। वॉट टू नॉट ईट इन G6PD डेफिशिएंसी। G6PD की अलग से कोई स्पेशल डाइट नहीं है, आई थिंक डैश डाइट इज ओके। टॉक अबाउट पैनिक डिसऑर्डर, आज के डेट में ज़्यादा बहुत कॉमन है एनजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर। क्वाइट फ्रैंकली, ऑल यू नीड इज अ गुड स्लीप। ऑल यू नीड इज 8 आवर्स 9 आवर्स स्लीप, एंड देन यू नीड पीस ऑफ माइंड। ऐसा चीज़ चाहिए जिससे माइंड पे जो आप करना एंजॉय करो। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, इफ़ यू आर नॉट इंजॉइंग योर लाइफ, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ, देन यू हैव अ पैनिक डिसऑर्डर। तब होता है पैनिक डिसऑर्डर का ट्रिगर शुरू, फिर दूसरों से आप इरिटेटेड होते हैं। वंस यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ, देन यू फाइंड रीजन्स नॉट टू बी हैप्पी विथ अदर्स। इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी ईजी। राइट, ये होना बहुत, इट्स बीमारी बहुत डिफिकल्ट है, समझना बहुत आसान है कि ऑल यू नीड इज टू डू वॉट यू एन्जॉय डूइंग। राइट, अगर वो करोगे कभी पैनिक डिसऑर्डर नहीं होगा। राइट, हाउ कैन आई क्लीन माई स्टमक? यू डोंट नीड टू क्लीन योर स्टमक, योर स्टमक क्लीन्स इट सेल्फ। अगर किसी चीज़ में एसिड भरा है, लोग एसिड से चीज़ों को धोते हैं, लोग एसिड से चीज़ों को धोते हो, एसिड भरी हुई चीज़ को साफ नहीं करना पड़ता। कृपया ऐसे लोगों के उल झलूल बातों में मत आइए। राइट, देर इज नथिंग स्टक इन योर स्टमक। कोई साल साल पुराना खाना और वो सब नहीं चिपका हुआ है वहां पे, कृपया ऐसे सोचो भी मत। ओके, प्लीज डोंट। अगर ऐसा लग रहा है ना तो एंडोस्कोपी करा लो, वो दूरबीन से देख लेंगे, अंदर तुम्हें दिखा देंगे कि अंदर कुछ है भी कि नहीं। पैसे वाले हो तो कैप्सूल एंडोस्कोपी करा लो, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन दिख जाएगा। जिसको भरोसा है ना, नहीं मेरे अंदर तो भरा है, वो जाके कैप्सूल एंडोस्कोपी करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी, फालतू के ना वो क्लीनिंग फ्लश फ्लश कराने से बच जाओगे। अब कितने वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर, सीरियसली। पीपल आर सो, गधे मत बनो प्लीज, गधे मत बनो। लोग उल्लू बनाते हैं मुझे पता है। राइट, आई हैव लेवल 2 CKD, कैन आई स्टिल डू बॉडी बिल्डिंग? येस, बट यू नीड टू मॉनिटर योर किडनी फंक्शन एंड यू डोंट नीड टू टेक एनी सप्लीमेंट्स। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ओनली, एंड यू कैन नॉट डू बल्किंग, यू कैन डू लीन मसल बिल्डिंग ओनली। हार्ट अटैक का बताओ, क्या अर्जुन की छाल सही है? नहीं भाई साहब, उसको हार्ट अटैक से नहीं बचा लेगी वो। BP हार्ट की बीमारी बनते हुए अर्जुन की छाल ले सकते हैं ट्रीटमेंट में, बट देन दैट इज नॉट द क्योर। कोई भी चीज उसको नहीं क्योर करेगी, दवा एलोपैथिक भी नहीं, आयुर्वेदिक भी नहीं। सो ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ लेमन वाटर एवरी डे, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द मेल स्पर्म्स कैन लीड टू इनफर्टिलिटी? नो इट कैन नॉट। नई नई टेक्नोलॉजी से लोग कुछ भी बोलने शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी अबाउट इट।
मैं जरा देखूं कुछ सुपर चैट आया हुआ है। एक सुपर चैट देख लें। हाय, ये क्या है, सुपर चैट है? ये सुपर चैट है, ऐसे कैसा सवाल आ रहा है इसमें? कैन पेशेंट्स ईट, ये कैसे का सुपर चैट है? ये सुपर चैट है कि कौन सा सुपर लाइव चैट? सुपर चैट कहाँ आ रहा है आजकल, बंद हो गया क्या? टॉप ऑफ चैट, लाइव चैट, आई हैव नो आइडिया। ये भाई साहब, किसी ने 55 रुपीज़ डोनेट किया है, उन्होंने अगर कोई सवाल पूछा है तो मुझे उनका सवाल दिख नहीं रहा है। हम ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है। ओके, हाउ टू क्लीन किडनी? किडनी को क्लीन करने के लिए अपने पेट में चीरा मारें, किडनी को बाहर निकालें, फिर किडनी में चीरा मारें, फिर अपने घर के शावर वाले से फुर्र वाला शावर लाएं और ऐसे करके उसको फुर्र से क्लीन करें और फिर हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को बोलें कि बंद कर दो भाई, क्या बकवास है ये, किडनी क्लीन करें घर में। यार ऐसे कौन बोलता है यार, कौन है ये लोग जो आपको ऐसे उल्लू बना रहे हैं? ये किडनी को, लिवर को, शरीर को क्लीन नहीं करना पड़ता है। ऑल यू नीड इज टू ईट वेजिटेबल्स। अगर आप सब्जियां खा रहे हो तो सब कुछ क्लीन हो रहा है, सब कुछ क्लीन होता रहेगा। आपकी बॉडी में उतनी ताकत है कि खुद को क्लीन करे। आपके शरीर को बनाया गया है इस हिसाब से भगवान ने कि खुद अंदर, जब आप अंदर हाथ डाल के क्लीन नहीं कर सकते हो ना, तो ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रोसेस है। सो डोंट डू दैट यार। ये कौन सा नया नया चीजें आ गई दुनिया में, किडनी क्लीन करनी है, लिवर क्लीन करनी है, पेट क्लीन करना है, टंग क्लीन कर लो, जो बाहर है वो क्लीन करो बस, और कुछ क्लीन मत करो तुम। व्हाट इज दिस मैन? एनीवेज, चलो, आई एम नॉट फाइंडिंग मच मोर थिंग, बट देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मुझे पता है सबका आंसर देना पॉसिबल नहीं है, सबको समझना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबका सारा आंसर दूं बैठ के। जितने दे दिए बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए, और जितने नहीं दे पाए हैं उनसे फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्री क्वेश्चंस पूछने के दो तरीके हैं। नंबर वन, हर नए वीडियो का प्रीमियर वाला नोटिफिकेशन आता है अब के वो 2-4 घंटे पहले कि भी प्रीमियर आने वाला है, प्रीमियर आने वाला है, प्रीमियर। जब भी वीडियो शुरू होता है, वीडियो शुरू होने पर एक लाइव, जैसे ये व्हाट्सएप कर रहे हो ना, लाइव क्वेश्चंस पूछने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे नहीं पूछना है। उसके बाद वीडियो में नीचे वो ऑप्शन आता है मैसेज पूछने का, वहाँ पर आपने अपना सवाल, अपना कमेंट डालना है। जब पहले 5 या 10 सवालों के जवाब हम दिया करेंगे कोशिश करके, वो भी डिपेंड करता है हम बिजी ना हो जाएं, ठीक है जनाब? ऐसा कर सकते हैं बहुत ज्यादा। बाकी मैं रोज लाइव आता हूं गोकी चैनल पे। गोकी का अगर आपने देखा होगा, अक्षय कुमार के साथ हमारा सारे लोगों के साथ चल रहा है। सो गोकी के ऊपर मस्त बैंड वैंड भी है, अभी ईसीजी वाला बैंड भी है, बहुत बढ़िया। सो यू कैन ज्वाइन गोकी, फ्री है वहां ज्वाइन करना, राइट? और गोकी पे आप मुझे लाइव रोज देख सकते हो। 30-40 हज़ार लोग रोज लाइव आते हैं, या तो 180-190 लोग है बस वहाँ पे। लिटरली वहाँ मैं रोज लाइव आता हूँ। आज दोपहर में 11 बजे लाइव आया था संडे को, वहाँ पे 39,000 लोग थे आज लाइव। 39,000 लाइव, कैन यू इमेजिन? रोज होते हैं वहाँ इतने लाइव, तो आप जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दीपक चंद जी ने 200 रुपीज़ डाल के सवाल पूछा है, तो जवाब देना पड़ेगा। विंटर, एल्डर पीपल ऑफन सफर फ्रॉम स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर। माई फादर हैज एन ओल्ड स्ट्रोक हिमोरेज पेशेंट, ही हैड सीजर्स इन विंटर, क्योर्ड बाय सर्जरी। विंटर में ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, इसके ऊपर मेरा फुल डिटेल वीडियो है। सर्दियों में हार्ट की बीमारी या ये बीमारियां क्यों होती हैं, जस्ट सर्च करिए, यू विल गेट एन आइडिया। बेसिकली विंटर में अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और उसी समय हमारे हार्मोन सर्ज होते हैं, जिससे बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ऐसी बीमारी होती है। ऑल राइट, सो समझ गए? फिटनेस हेल्थ FAQs वाले चैनल पे मैं वो दे देता हूँ आपको। हेल्थ FAQs वाले चैनल पे, इस पे मैं कर सकता हूँ क्या मैसेज? नहीं कर सकता शायद से, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एनीवे, हेल्थ FAQ वाले चैनल पे जाके आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा रोज वहाँ लाइव आने की, रात को 10 बजे और सैटरडे संडे को मॉर्निंग आफ्टरनून में। ऑलराइट, और हर संडे यहाँ लाइव आएंगे, ठीक है? सबके सबको अपने सवालों के जवाब चाहिए। कोई पहले पहले लोग थे थैंक यू बोल रहे थे, 2-4 लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। भाई साहब, सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, आप इतना मत करो, है ना? इट्स
आप एक बारी खुद जरा बैठ के देख के देखो कितने सारे सवाल है, पॉसिबल है सबका जवाब देना? राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट माय फ्रेंड, राइट। पढ़ाई करने वालों के लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, वो जाके देखिए। लाइव आता हो तो ऐसा लगता है बंद ही मत करो, है ना, इतने सवाल है। सीबो के ऊपर वीडियो आएगा, सीबो के ऊपर वीडियो आएगा, राइट। डॉक्टर सौरभ आप बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब को की रिक्वेस्ट ले ली गई, सीबो के ऊपर वीडियो आएगा, डोंट वरी। राइट, चलो, वाउई वाउई वाउई, ओके बाय बाय गाइस, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ओके। माइग्रेन आयुर्वेदिक से नहीं ठीक हो, माइग्रेन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जिसके लिए आयुर्वेद या कोई और चीज़ की ज़रूरत है। इट्स अ सेंसिटिव ब्रेन, लाइफस्टाइल से ठीक होगा वरना नहीं ठीक होगा, लाइफस्टाइल से ठीक होगा और किसी से नहीं। डेका के बारे में वीडियो FAQ चैनल, फिटनेस वाले चैनल पे मिलेगा आपको, राइट। आएगा आएगा, डेका के बारे में, सबके बारे में वीडियो आएगा, डोंट वरी। बालों के लिए बेस्ट ऑयल डाबर आमला तेल, केश तेल, कोई भी तेल लगाओ, डजेंट मैटर। आपके बाल ये नहीं देखते कि उसमें आंवला है या उसमें शीकाकाई है या वो है, राइट। योर बाल नीड्स, नीचे से ग्रो, उसको प्रोटीन चाहिए। PRP ट्रीटमेंट आई डोंट थिंक इट्स सो वर्थ इट, बट यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। माइग्रेन पे वीडियो है, ज्यादातर लोग जितने आए हैं सबके लिए वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। अपना टॉपिक और डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करो, थायराइड का इलाज बताया, वेरिकोज वेन का इलाज बताया, वीडियो बनाया, सब कुछ तो है। BCAA नहीं लेना चाहिए, वीडियो बनाया, सब बनाया, राइट। सो लास्ट में जाते जाते नंबर बता रहा हूँ फिर से, 7827570775, राइट। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अगर आप पेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं। ये नंबर सिर्फ पेड कंसल्टेशन के लिए है, राइट, फ्री कंसल्टेशन के लिए नहीं है, राइट। 782-75-707-75, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।